हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के शुरुआत में हम रोडा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होती है। रोडा को बचपन से ही एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट होता है, इसीलिए फ्यूचर स्टडीज के लिए वो MIT में एनरोल करती है। MIT में सिलेक्ट भी हो जाती है, जिससे वो इतनी खुश होती है कि वो अपने सारे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी, और उसी में वे लोग काफी हाई हो जाते हैं। और वैसे ही हालत में वो ड्राइव करते हुए घर आने लगती है कि तभी उसे रेडियो पर एक नई खोज के बारे में पता चलता है कि साइंटिस्ट ने एक नए प्लैनेट की खोज की है, जहाँ पे लाइफ मौजूद हो सकती है। ये प्लैनेट अर्थ जैसा ही दिखता है और हमारे अर्थ से काफी क्लोज है, जिसे रात के वक्त ईस्ट में एक ब्लू स्पॉट के रूप में देखा जा सकता है। रोडा ड्राइव करते हुए आसमान से उस प्लैनेट को देखने लगती है, और उसे देखते हुए इतना खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो ड्राइव कर रही है। इसी दरमियान हाईवे पर हम एक फैमिली को अपने कार में बैठते हुए देखते हैं, और देखते ही देखते रोडा उनके कार को टक्कर मार देती है और दोनों का काफी बड़ा एक्सीडेंट होता है। थोड़े समय के बाद जब रोडा होश में आती है, सामने वाले कार को देखने जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि कार के अंदर एक औरत थी और उसकी डेथ हो चुकी है, और ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी, जिसका नाम जॉन होता है, वो अब पूरी तरीके से घायल हो चुका था। इन दोनों को एक बेबी था, वो भी इस दुनिया में अब नहीं रहा था। अब ये एक्सीडेंट रोडा के कारण हुआ था, इसीलिए उसे अब 4 साल की सजा होती है। अब सीधा हम 4 साल के बाद देखते हैं, जब वो जेल से बाहर आती है। बाहर आते ही वो उस प्लैनेट की ओर देखती है, जो कि अब साइज में मून से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। तो वही वो रेडियो पे सुनती है, अब इस प्लैनेट को अर्थ 2 कहा जाता है, और अर्थ 2 के बारे में बताया जाता है कि पिछले 4 सालों में यह प्लैनेट अर्थ के बहुत ही नजदीक आ गया है, जिसे दिन के उजाले में भी खुले आंखों से देखा जा सकता है। और साथ ही साइंटिस्ट को अर्थ 2 पे कॉन्टिनेंट्स, ओशन और अलग अलग सिटीज भी दिखाई देती है, जिसे उन्हें लगता है कि यह प्लैनेट मिरर अर्थ है, यानी प्लैनेट अर्थ की ही दूसरी कॉपी। उन्हें अर्थ 2 से रेडियो सिग्नल भी मिलते हैं, जिसे वो फिलहाल उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रोडा अब अपने पेरेंट्स के साथ कार में बैठकर घर जाती है। उसका भाई उसे अर्थ 2 के कॉन्टेस्ट के बारे में बताता है, जिसे और उसी कॉन्टेस्ट के बारे में वो इंटरनेट पे सर्च करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि साइंटिस्ट अर्थ 2 पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो अपने साथ एक सिविलियंस को लेके जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसे कॉन्टेस्ट रखा हुआ है। लोगों को 500 वर्ड में बताना है कि वो अर्थ 2 पर क्यों जाना चाहते हैं, और जो कॉन्टेस्टेंट ये जीतेगा, उसे साइंटिस्ट के साथ अर्थ 2 पर जाने का फ्री टिकट मिलेगा, और उस टिकट को केथ हार्डनिंग स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो कि एक मिलियनर एंटरप्रेनर है, और इन्हीं की कंपनी यानी यूनाइटेड स्पेस वेंचर के साइंटिस्ट ही अर्थ 2 पर जा रहे हैं। अब रोडा को MIT में तो चांस नहीं मिला था, इसीलिए अब वो इस कॉन्टेस्ट में दिलचस्पी लेने लगती है, लेकिन काफी सोचने के बावजूद भी वो लिख नहीं पाती। अब अगली सुबह रोडा को एक टेम्पररी जॉब चाहिए था, इसीलिए वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाती है, जहाँ पे उसे एक हाई स्कूल में जेनिटर यानी सफाई कर्मचारी की जॉब मिलती है। रोडा जानती है कि अब उसे MIT में एडमिशन नहीं मिलने वाली, इसीलिए वो उस जॉब के लिए मान जाती है और स्कूल की सफाई करने चली जाती है। लेकिन उसे हमेशा पछतावा था कि कैसे उसने नशे की हालत में 3 लोगों की जान ली थी, इसीलिए अपना काम खत्म करने के बाद वो उसी एक्सीडेंट वाली जगह जाती है, जहाँ पे उसने जॉन को देखा था, जो अपने फैमिली से रोडा के कारण ही अलग हुआ था। उसी दरमियान वो जॉन को देखती है, वो भी अपने फैमिली के याद में एक पोल के यहाँ पे टॉय रख के चला जाता है। रोडा घर आने के बाद उस एक्सीडेंट के बारे में गूगल सर्च करती है, जहाँ से उसे आर्टिकल मिलता है, जिसमें वो पढ़ती है कि जॉन एक म्यूजिक कम्पोजर था, और उस एक्सीडेंट के बाद वो 4 साल कोमा में था, और पिछले हफ्ते ही कोमा से बाहर आया है। साथ ही एक्सीडेंट के दौरान जॉन की पत्नी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और रोडा को ये भी पता चलता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो माइनर थी, यानी 17 साल की, और इसी कारण से उसकी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी गई है, यानी जॉन को उसका एक्सीडेंट किसने किया ये तक पता नहीं है। रोडा अब जॉन से माफी मांगना चाहती थी, इसीलिए वो इंटरनेट से उसका एड्रेस नोट करती है और वहाँ चली जाती है। फिर वो जॉन को उसके विंडो से देखती है, उसकी ऐसी खराब हालत देख उसे काफी बुरा लगने लगता है, और वो सुसाइड करने का सोचती है, और बर्फ में ही वो बेहोश हो जाती है। लेकिन उसके फैमिली उसकी जान बचाते हैं, और अगली सुबह
उसकी आँख खुलती है तब वो अपने ही घर में होती है। अब रोडा की जिंदगी नॉर्मली चल रही थी और उस कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई करती है और ऐसे लिख कर उसे सबमिट कर देती है। और रोज की तरह ही स्कूल की सफाई खत्म करने के बाद वो जॉन के घर जाती है ताकि उसे सारी सच्चाई बता सके। लेकिन जब जॉन उसके लिए दरवाजा खोलता है तब उसे देख वो काफी डर जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। वो जॉन को सिर्फ इतना ही कहती है कि वो एक जेनेटर है और अभी हाउस क्लीनिंग का फ्री ट्रायल दे रही है, इसीलिए वो जॉन को हेल्प ऑफर करती है क्या वो उसका घर साफ कर सकती है। अब जॉन पहले तो मना करता है लेकिन काफी रिक्वेस्ट के बाद वो मान जाता है। वो पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है जिसके बाद रोडा अपने घर जाने लगती है। तभी जॉन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो हर हफ्ते में एक बार आके घर साफ कर दे और रोडा भी ये जॉब एक्सेप्ट करती है। लेकिन अंदर ही अंदर रोडा गिल्ट में काफी डिप्रेस हो रही थी, इसीलिए वो सोचती है कि अगले टाइम वो जॉन से मिलेगी तब उसे सारी सच्चाई बता देगी। अगले वीक रोडा जब जॉन के घर जाती है लेकिन जॉन काफी बिजी होता है, इसीलिए वो उसे बाद में बात करने के लिए कहता है। अब सफाई करते वक्त जॉन के पत्नी और उसके बेटी की एक फोटो मिलती है जिसे देख वो मायूस हो जाती है और जॉन को बिना बताए ही उसके घर से निकल आती है। अब ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। इसी तरह वो स्कूल और जॉन के घर में काम करने आया करती थी। जॉन के घर में उसे एक टेलीस्कोप के पार्ट मिलते हैं जिसे वो असेंबल करके जाती है। अब घर आने के बाद रोडा टीवी पर देखती है कि साइंटिस्ट अर्थ 2 से रेडियो सिग्नल के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद जब अर्थ 2 से कांटेक्ट होता है तब वहां से एक औरत की आवाज आती है जो इंसानों की ही भाषा में उस साइंटिस्ट से बात कर रही थी, जिसे सुन के सभी लोग हैरान होते हैं। साइंटिस्ट फिर उस औरत से कुछ सवाल पूछते हैं जिसके बाद साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो दरअसल उसी साइंटिस्ट का रूप है, क्योंकि दोनों का नाम, बर्थडे और प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, यादें सारी एक जैसी ही होती है। यानी कि जैसी ये दुनिया यहाँ पर है वैसे ही सेम दुनिया और टू पर भी थी। अब यहाँ पे रोडा अगले हफ्ते दोबारा से जॉन के यहाँ काम करने जाती है। उस वक्त जॉन टेलीस्कोप से और टू को देख रहा होता है। फिर वो रोडा से पहली बार नॉर्मल बात करने लगता है और कहता है कि उसे काफी अजीब लग रहा है कि उसी का एक और एक रूप उस और टू पे भी मौजूद होगा। और इसी तरह उन दोनों की बातचीत शुरू होती है जिसके बाद जॉन एक गेम खेलने लगता है, लेकिन उस गेम में उसे एक पार्टनर की जरूरत होती है, इसलिए वो रोडा को अपने साथ गेम खेलने के लिए कहता है। और इसी तरह दोनों की एक दोस्ती शुरू हो जाती है। दोनों भी काफी बातें कर रहे थे और काफी लेट हो जाता है जिसकी वजह से जॉन रोडा को उसके घर पे ड्रॉप करने जाता है। अब नेक्स्ट वीक रोडा जब जॉन के घर जाती है तब वो नोटिस करती है कि जॉन को काफी हेडेक हो रहा है, इसलिए वो उसे एक रशियन कॉस्मोनॉट की स्टोरी सुनाती है। इसे सुन जॉन थोड़ा बेटर फील करने लगता है। जॉन फिर रोडा से पूछता है कि तुम काफी पढ़ी लिखी हो तो तुम कॉलेज में क्यों नहीं जा रही हो, ये काम क्यों कर रही हो। इस पे रोडा उसे कहती है कि जैसे सभी को कुछ ना कुछ करना पसंद होता है उसी तरह उसे भी ये काम करना पसंद है। लेकिन तभी जॉन रोडा के हाथ में अपनी पत्नी का स्वेटर को देखता है जिसे उसने वॉश किया था। ये देखते ही जॉन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने वो स्वेटर सालों से नहीं धोया था, क्योंकि उस स्वेटर से जॉन की पत्नी की खुशबू आ रही थी जिसे वो उसे अपने आसपास महसूस कर सकता था। इसीलिए अब गुस्से में जॉन रोडा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब अगली सुबह रोडा को स्कूल का एक स्टाफ प्रदीप के बारे में बताता है कि प्रदीप ने अपने आँखों में और कानों में ब्लीच डाल ली है। दरअसल प्रदीप रोडा के ही साथ स्कूल में ही काम करता था। वो एक बुजुर्ग आदमी थे और कुछ लोग उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए जा रहे थे। अब रोडा जब अपना काम खत्म कर घर लौटती है तभी रास्ते में उसे जॉन मिलता है जो उसे उस दिन के लिए माफी मांगता है और रोडा भी उसके लिए सॉरी कहती है। जॉन फिर रोडा को एक ऑडिटोरियम में लेके जाता है जहाँ पे वो हैंडसॉ से एक म्यूजिक बनाकर उसे सुनाता है। रोडा म्यूजिक सुन काफी इमोशनल हो जाती है और स्पेस की इमेजिनेशन करने लगती है। दरअसल यहाँ पे जॉन और रोडा एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं, इसीलिए वो घर आने के बाद एक दूसरे से काफी क्लोज आते हैं। जॉन फिर रोडा को उस दिन हुए एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि कैसे एक ड्रंक ड्राइवर ने उसके बेटे और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को मार डाला था। ये सब कुछ सुन वो काफी गिल्टी महसूस करती है।
अब अगली सुबह काम पे आने के बाद रोडा प्रदीप से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि प्रदीप अब देख और सुन नहीं सकता। प्रदीप रोडा के यहाँ आने की वजह का अनुमान लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हें भी शायद जिंदगी में बहुत बड़ा दर्द है, तुम्हें उस चीज का सामना करना होगा, तब तक तुम खुश नहीं रह पाओगी। और तभी रोडा उसके हथेली पर फगीव वर्ड लिखती है, जिसके बाद प्रदीप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रोडा फिर वापस अपने घर जाती है, तब उसे उसका भाई बताता है कि उसके लिए यूनाइटेड स्पेस वेंचर से कॉल आया था, जिसके बाद रोडा उन्हें कॉल बैक करती है, जिस पर खुद केथ हार्डिंग कॉल पर उसे बताता है कि वो ये कॉन्टेस्ट जीत गई है और अब वो उनके साथ अर्थ 2 पर जा सकती है। रोडा इस कॉल के कारण बहुत ही ज्यादा खुश होती है, इसीलिए वो जॉन को ये बात बताने उसके घर जाती है। जॉन भी रोडा के लिए काफी खुश होता है, जिसके बाद दोनों भी सेलिब्रेट करते हैं और एक साथ डिनर करते हैं। थोड़ी देर के बाद जॉन रोडा को वहाँ जाने से मना करता है, क्योंकि अब वो दोनों भी एक दूसरे को काफी प्यार करते थे, जिस पर रोडा कहती है कि आज वो उसे कुछ बताना चाहती है और अगर उसे सुनने के बाद वो उसके साथ रहना चाहता है तो वो मान जाएगी और हमेशा के लिए उसके साथ ही रहेगी। रोडा फिर जॉन को बताती है कि उस रात उसी के कार से जॉन की कार का एक्सीडेंट हुआ था। ये सुन जॉन रोडा पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। रोडा रोते हुए अपने घर आती है, तब उसके घर के बाहर काफी मीडिया वाले होते हैं, क्योंकि अब सबको पता चल चुका होता है कि रोडा टू अर्थ पर जाने वाली है। रोडा घर में आने के बाद उसके माता पिता उसे इसके बारे में पूछते हैं, तब रोडा उन्हें कहती है कि उसे यहाँ से जाना ही होगा, यहाँ पे रहना उसे पसंद नहीं है। उसी रात रोडा टीवी पर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट का इंटरव्यू देखती है, जहाँ पे वो ब्रोकन मिरर हाइपोथेसिस के बारे में बताता है कि जब हमने पहली बार अर्थ 2 को देखा था तब हमें लगा था ये दोनों भी एक दूसरे की कॉपीज हैं, लेकिन शायद ये गलत हो सकता है। हमारी अर्थ की रियलिटी और दूसरे अर्थ की रियलिटी अब बदल चुकी है और दोनों भी एक दूसरे की कॉपीज नहीं हैं। यानी कि उसे पता चलता है कि शायद उस अर्थ पर जॉन की फैमिली अभी भी जिंदा हो सकती है। अब रोडा भागते हुए जॉन के घर जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, ना खोलने पर वो खिड़की से अंदर आती है, तब जॉन उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे छोड़ देता है। और तभी रोडा उसे उस थ्योरी के बारे में बताती है कि शायद उनकी फैमिली अब भी उस प्लेनेट पर जिंदा हो सकती है, इसीलिए वो अपना गोल्डन टिकट जॉन के लिए रखती है, जिसकी कीमत $3 मिलियन होती है, और उसके बजाय जॉन को जाने के लिए कहती है और जॉन भी डिसाइड करता है वहां पे जाने के लिए। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं रोडा पहले की तरह ही स्कूल में काम कर रही थी और जॉन का इंटरव्यू टीवी पे देखती है, जो कुछ ही समय में अर्थ 2 जाने वाला था। अब देखते ही देखते मूवी में 4 मंथ्स पास हो जाते हैं, जहाँ पे रोडा स्कूल से घर लौटती है और जब वो अपने बैकयार्ड में देखने जाती है तब उसे किसी का एहसास होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब उसे उसी का दूसरा रूप दिखाई देता है, जो कि अर्थ 2 से आया होता है, और यहीं पे मूवी खत्म होती है। रोडा 2 का अर्थ 2 से यहाँ पे आना यही प्रूव करता है कि अर्थ और अर्थ 2 के इवेंट सेम नहीं है। यहाँ से जॉन जाता है तो वही अर्थ 2 से रोडा यहाँ पे आती है और मूवी इधर ही खत्म होती है।